नमस्कार दर्शकों, पेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेबल क्लॉथ के ऊपर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये टेबल क्लॉथ लिया है मैंने, आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ले लें। पहले कपड़े को धोकर सुखाकर प्रेस जरूर कर लें, और ये इसके किनारे मैंने मोड़ लिए हैं चारों तरफ से। इसके बाहरी साइड में ये चारों तरफ यहाँ से यहाँ 5-5 इंच की जगह मैंने छोड़ दी है, इधर भी चारों तरफ। और फिर ये लाइन खींच ली है मैंने, ये चौक के टुकड़े की मदद से, इस तरह से चारों तरफ। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने ये इस तरह का, एक बार हमने ये खाना ऑर्डर किया था बाहर से, तो ये खाना पैक होके आया था, तो उसी डब्बे को मैंने धोकर ये रख लिया, और इसी से आज मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। सबसे पहले इसका हमने सेंटर निकाल लिया, ये देखिए ये सेंटर है इसका। सेंटर निकालने के लिए इसको एक बार ऐसे तय कर लें और दूसरी बार ऐसे तय कर ले, और यहां जो निशान आएगा वो आएगा इसका सेंटर, तो वो वहां हमने निशान लगा लिया यहां। और फिर यहां हमने इसको, इस डब्बे को इस तरह से उल्टा रखा, उल्टा करके फिर इसके चारों तरफ चौक के टुकड़े की मदद से इस तरह से निशान लगा लिए। ये एक बार इस तरह से लगाया, फिर इसके साथ में इधर भी, इसके बिल्कुल बगल वाला, पहले ये लगाया था, फिर इसके बिल्कुल साथ वाला यहां रखा इसको, डब्बे को, और फिर लगा लिया इस तरह से। इस तरह से लगाया, फिर जितनी जगह बची यहां से यहां तक, ये जितनी जगह बची उसमें भी हमने इसी तरह लगाया, डब्बे को इस तरह रखा उल्टा और इस तरह से लगा दिया निशान। ये जितना हिस्सा इसके ऊपर आता है उतने पे ही लगाना है, आगे ये हमारी लाइन आ जाएगी। अब इसके इधर की साइड भी इसी तरह, इसको रखा डब्बे को इस तरह से और निशान लगा लिया। फिर जो जगह बची वहां भी डब्बे को फिर रखा और फिर निशान लगा लिया इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से ये सारे निशान लगाए हैं मैंने। फिर इसके एक लाइन इस तरह से होगी, उसके बाद इसके ऊपर की साइड, ऊपर भी इसी तरह रखा और निशान लगा लिया। फिर उसके साइड में रखा और यहां इसके ऊपर और यहां इसके साइड में, और फिर लगा लिया। फिर जो जगह बची वहां भी लगा लिया, इसी तरह इधर भी लगा लिया, और उसके बाद जो थोड़ी सी जगह बची वहां भी जितना आया हिस्सा उतना ही लगा लिया हमने निशान। ये इधर भी हमारी जो जगह बची वहां भी ये आधे आधे आएंगे। इनके भीतर की साइड जहां हमने ये बनाए थे वहां हम इस तरह से लेंगे, इस डब्बे को हम इस तरह से रखेंगे कि यहां हमारा सेंटर होगा इसका डब्बे का, और फिर यहां इस सर्कल के बीचों बीच ये आधा आएगा, जैसे यहां सेंटर, तो यहां रख दिया हमने इसको। अब ये मैंने पेंसिल से करके दिखाया है ताकि ये थोड़ा सा अलग से दिखाई दे जाए, और यहां इसको हमने इस तरह से लाइन खींची, ये बन गया। और इधर से भी ये पूरा सर्कल, सिर्फ सर्कल के अंदर से ही बनाया है मैंने, इसको बाहर नहीं निकलने दिया, सर्कल के अंदर ही डिजाइन बनाना है।
फिर यहां इसका किनारा रखा और फिर इसको बना दिया। जितनी दूरी तक ये बने उतनी दूरी तक ये बना दिया हमने, इस तरह से खींचा। ये देखिए पेंसिल का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अगले पे हमने इसको सेंटर माना और यहां हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर रख दिया और फिर यहां भी इसी तरह खींची, इस तरह से। तो ये वाला, ये सर्कल के भीतर ये वाली लाइन हो गई और इस सर्कल के भीतर ये वाली लाइन इस तरह से आ गई। फिर उसके बाद अगले वाले में भी ऐसे ही किया। यहां हमने इसको सेंटर मानकर यहां रखा और फिर इसके बाहर पेंसिल से निशान लगा लिए। तो इसी तरह हमने लाइन खींची है हमने सर्कल के भीतर भीतर, ये देखिए। और हमारे ये डिजाइन इस तरह से बनते चले गए, ये देखिए। मैं नजदीक से दिखा रही हूं आपको, ये देखिए। इधर से ये यहां और इधर से ये सभी में हमने इसी तरह बना लिए। ये देखिए डब्बा लिया है हमने, यही सबके ऊपर इसी तरह बनाया है और ये हमारा इस तरह का डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब अगले वीडियो में हम इसको कलर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।